ओम नमः शिवाय। अगर आप 16 सोमवार व्रत रहने की सोच रहे हैं तो इसमें लगाने जाने वाले भोग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। और आज की मेरी रेसिपी है 16 सोमवार में चढ़ाए जाने वाला भोग। इसमें हम 3 भाग गेहूं के आटे ले लेते हैं, क्योंकि हमें 3 बाटी या पुए जो भी आप चाहें बना सकते हैं, बट मैं चाहूँगी कि आप एक बार ये पुए बना के देखें। इसमें हम घी का मोहन डालेंगे। ये भगवान का प्रसाद है भोलेनाथ को चढ़ने वाला, इसीलिए हम इसमें घी का ही उपयोग करते हैं मोहन में, और सेकते टाइम भी इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे आटे को गूंथ लेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारा जो आटा है वो लग चुका है। अब हम इसे 3 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमें 3 बाटी या 3 पुए बनाने हैं। हम आज की रेसिपी में पुए बना रहे हैं, तो हम इसे बराबर 3 भागों में बना लेंगे। इस प्रसाद में एक भाग गाय को अर्पण करते हैं, एक भगवान को जिसका प्रसाद हम सभी में बांट देते हैं, और एक भाग हम प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करते हैं। तो हम इसे 3 भागों में बांट लेंगे। हम इसमें बेलन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा डेली यूज़ में आता है। मैं इसमें ग्लास से बना लेती हूँ। अगर आप ना बना पाएँ तो स्टील का बेलन या दूसरा उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे रोटी का आकार दे देंगे और इसे हम घी के साथ सेक लेंगे तवे पे। तो एक फ्राई पैन मैंने पहले से गर्म होने रखा हुआ था और उसमें हम इस पुए को अलट पलट के सेक लेंगे। जब ये इस तरह से आधा पक जाता है तो हम इसमें घी लगा देंगे और पलट के दोनों तरफ भी हम घी का उपयोग करेंगे। इन पुए को हम ये एक्चुअली थोड़े मोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तेज आंच में पकाने से ये अंदर की तरफ कच्चा रह जाता है, और ये अंदर कच्चा ना रहे तो हमने इसमें छोटे छोटे निशान बना दिए हैं। पुए हमारे पक के तैयार हैं। इसी तरह से हम तीनों पुए बना लेंगे। हमारे तीनों पुए बन के तैयार हैं। शिवजी को भोग लगाने के लिए हम इसमें एक कटोरी दही और घी और गुड़ के साथ इसे हम शंकर जी को भोग लगाते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप शेयर करके ज़रूर बताएं।